आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, पहले तो जानो आइसोटोप्स क्या होता है। आइसोटोप जिसके एटॉमिक नंबर सेम हो, जिस एलिमेंट के एटॉमिक नंबर सेम हो और एटॉमिक मास अलग अलग हो, वो आइसोटोप होता है ना। जैसे कार्बन का, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14, सबका एटॉमिक नंबर 6 है लेकिन एटॉमिक मास सबका अलग अलग है ना। तो आइसोटोप ऑफ कार्बन है, हम पढ़ेंगे आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। एटॉमिक नंबर सेम होगा, एटॉमिक मास डिफरेंट होगा, है ना। क्यों डिफरेंट होगा, अब देखो ये हाइड्रोजन का एक एटम है ना, यहाँ क्या है न्यूक्लियस है, और इसके किनारे एक इलेक्ट्रॉन उसके मूव करते रहता है, उसके अराउंड घूमता रहता है न्यूक्लियस के अराउंड, ठीक है। एक प्रोटॉन भी है इसमें, क्या है, एक प्रोटॉन न्यूक्लियस के पास रहता है प्रोटॉन, है ना। तो जब एक प्रोटॉन हो और एक इलेक्ट्रॉन हो तो उसको बोलते हैं प्रोटियम, है ना, प्रोटियम, ठीक। जिस हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन हो और एक प्रोटॉन हो उसको क्या बोलते हैं, प्रोटियम, है ना। यहां पे इसका एटॉमिक मास क्या होगा, 1, क्या होगा एटॉमिक मास 1, ठीक है, 1.00 यू यूनिफाइड मास होता है, है ना। एग्जैक्ट वैल्यू में बता रहा हूं, 1.008 यूनिफाइड मास होता है, यूनिफाइड एटॉमिक मास इसका ही होता है ना। अब अगर इसमें जैसे एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के अराउंड, अगर इसमें एक न्यूट्रॉन भी आ जाए, क्या एक न्यूट्रॉन आ जाए, है ना, तो इसका एटॉमिक मास बढ़ जाएगा, अब हो जाएगा इसका 2। तो हाइड्रोजन का जो दूसरा आइसोटोप है उसका एटॉमिक मास है 2, इसको बोलते हैं ड्यूटीरियम, ड्यूटीरियम, ठीक, ड्यूटीरियम। एक न्यूट्रॉन और आ गया तो इसका एटॉमिक मास बढ़ गया, है ना, लेकिन स्टिल वो हाइड्रोजन ही है, हाइड्रोजन ही है। इसका जो एटॉमिक मास होता है एग्जैक्ट वैल्यू वो 0.14 यू होता है ना, यूनिफाइड मास 2.014 यू, यू, ये यू है नॉट फोर, पढ़ देना उसका ना, यू यूनिफाइड, यू फॉर यूनिफाइड मास। अब जब एक ही प्रोटॉन हो और एक ही इलेक्ट्रॉन हो लेकिन दो न्यूट्रॉन हो, कितने, दो न्यूट्रॉन, है ना, तब इसका एटॉमिक मास हो जाता है 3, है ना, कितना हो जाता है 3। तो इसको पढ़ते हैं, इसको नाम है ट्राइटियम या ट्रिटियम, है ना, ट्रिटियम, ठीक है। इसका जो एटॉमिक मास है वो है 3.0 होगा, 0.00, इसका डबल कर दे तो, है ना, तो एग्जैक्ट तो नहीं आ रहा ध्यान है मेरे को, मतलब लगभग लगभग इतना ही मान लो जो, है ना, बुक में चेक करके लिखा देंगे अभी, है ना। तो जब एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन हो तो प्रोटियम है, हाँ, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है तो एटॉमिक मास 1 से हो जाता है 2, हाँ। अब उसको कहेंगे ड्यूटीरियम। एक इलेक्ट्रॉन हो, दो न्यूट्रॉन हो और एक एक प्रोटॉन हो, उसका एटॉमिक मास हो जाता है 3, तब पढ़ते हैं उसको ट्रिटियम, है ना, ट्राइटियम, ट्रिटियम, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज आर
वेरी सिमिलर है ना, सभी की ऑल थ्री केमिकल प्रॉपर्टीज आर वेरी सिमिलर, तीनों की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है सिमिलर होती है। क्यों सिमिलर होती है, क्या है हमारे पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सबका सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सबका सेम नंबर ऑफ क्या है प्रोटॉन है, सब में सेम नंबर प्रोटॉन है, सब में एक एक नंबर एक एक प्रोटॉन है, सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वन, क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या है वन, एटॉमिक नंबर तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, तो वही तो डिसाइड करता है, वही तो डिपेंड करता है केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही डिसाइड करता है, डिपेंड करता है किसी भी एलिमेंट का केमिकल प्रॉपर्टीज के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे ही डिपेंड करता है ना। तो सिमिलर हमको क्या मिलती है इसके रिजल्ट से, है ना, क्या मिलती है सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज है ना। इतना नोट करो, केमिकल प्रॉपर्टीज आर वेरी सिमिलर किसके, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन है ना, ठीक है, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, ये किस लिए होता है क्योंकि सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो, सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगरेशन है ना, लेकिन फिर अंतर क्या है तीनों में, है ना, लेकिन फिर अंतर क्या है तीनों में, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का अंतर है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज तो सिमिलर है, तो कुछ उसी से रिलेटेड बताओ क्या हो सकता है, सिर्फ क्या डिफरेंस है, सिर्फ उसका क्या डिफरेंस है, सिर्फ उसका डिफरेंस है किसका, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ है ना, क्योंकि बिकॉज तीनों की क्या है डिफरेंट आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, अब इसके पीछे क्या लॉजिक है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी अलग अलग हो, आयनाइजेशन एंथैल्पी मतलब एक इलेक्ट्रॉन को उस एटम से रिमूव करना, हटाने में जितनी एनर्जी लग रही है, तो सब तो एटॉमिक नंबर सब में एक इलेक्ट्रॉन है ना, सब में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन, तो क्यों हो रहा है ऐसा, क्यों सब तीनों की जो डिफरेंट आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो न्यूट्रॉन के कारण हो रहा है, अच्छा, इस कारण न्यूट्रॉन के कारण, अगर एक न्यूट्रॉन आ जाता है, अगर एक न्यूट्रॉन आ जाता है तो एटम का साइज बढ़ जाता है, बढ़ जाएगा, न्यूट्रॉन कहाँ है, जहां पे न्यूट्रॉन न्यूट्रल है ना, पॉजिटिव चार्ज ना निगेटिव चार्ज, न्यूट्रॉन न्यूट्रल है मतलब वो खाली जगह जहां रहता है वहां पे न्यूट्रॉन रहता है, तो जब न्यूट्रॉन आ गया तो साइज बढ़ गया, एटम का साइज बढ़ जाएगा, अब बढ़ जाएगा तो उस जो एक इलेक्ट्रॉन है, जो एक इलेक्ट्रॉन है ना, एक इलेक्ट्रॉन है, अब वो दूर हो जाएगा ना न्यूक्लियस से, जो एक ही इलेक्ट्रॉन है तीनों में, अगर न्यूट्रॉन आ गया तो एटम का साइज थोड़ा सा बढ़ जाएगा, अब जो न्यूक्लियस से जो इलेक्ट्रॉन है वो थोड़ा दूर है, वो थोड़ा दूर है तो न्यूक्लियस उसको बाइंड करेगा, लेकिन उतना स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग नहीं रहेगी, थोड़ा दूर रहेगा, तुम घर से दूर हो अपने
तो अपने माँ बाप के कंट्रोल में नहीं रहोगे, जो घर से दूर रहते हैं पढ़ने वाले है ना, तो अपने माँ बाप के कंट्रोल में रहते हैं क्या? क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ घूम रहे हैं कंट्रोल में है? नहीं है। टाइम से सो रहे हैं? नहीं सो रहे हैं। कंट्रोल में है? नहीं है। तो मान लो ये फादर है, ये चाइल्ड है, तो अगर ये दूर हो गया तो उतना कंट्रोल नहीं रह पाएगा, जल्दी से है ना। तो इस कारण से जो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो घटता बढ़ता है आइसोटोप्स में, है ना। अगर दूर हो गया तो जल्दी से एक इलेक्ट्रॉन लूज जाएगा कम एनर्जी में, रिएक्शन जल्दी हो जाएगा, लॉजिक यही ना है। अगर जल्दी से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया कम एनर्जी में ही, तो जल्दी से रिएक्शन हो जाएगा। अगर मान लो जो प्रोटियम में होता है ना, किसमें? प्रोटियम में, उसमें न्यूट्रॉन नहीं है, एक भी न्यूट्रॉन नहीं है, है ना, तो उसमें जब एक इलेक्ट्रॉन को जब रिमूव करेंगे तो उसमें टाइम लगेगा। रेट मतलब क्या? टाइम में, है ना। तो सिमिलर प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, बस किसमें डिफरेंस होता है? रेट ऑफ रिएक्शन। अब केमिकल प्रॉपर्टीज किस पर डिपेंड करती है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, है ना। ठीक, लिखो। देखो ये क्या, प्रोटियम, ठीक, जिसमें एक भी न्यूट्रॉन नहीं है, ये क्या है? ड्यूटेरियम, इसमें एक न्यूट्रॉन, इसमें एक न्यूट्रॉन है ना, ड्यूटेरियम, ठीक। ये क्या है? ट्रिटियम, ये है, इसमें दो न्यूट्रॉन, दो न्यूट्रॉन है ट्रिटियम, ठीक। तो प्रोटियम के न्यूक्लियस का नाम है प्रोटॉन, क्या नाम है? प्रोटॉन, ठीक है। प्रोटॉन में इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन तो होते ही है, इसके न्यूक्लियस का नाम है प्रोटॉन, इसलिए इसको बोला गया प्रोटियम। इसके न्यूक्लियस का नाम है ड्यूट्रॉन, इसलिए इसका नाम रखा गया ड्यूटेरियम। इसके जो न्यूक्लियस का नाम है ना, ट्राइट्रॉन, ट्रिट्रॉन, ठीक है, इसीलिए इसका नाम रखा गया ट्राइटियम या ट्रिटियम, ठीक है। इसका एटॉमिक मास 1 है ना, एग्जैक्ट वैल्यू 1.008 यू, यूनिफाइड मास इसका 2.00014 यू, है ना, इसका 3.016 यू, है ना। ये तीन जो है नेचुरली यूनिवर्स में पाए जाते हैं, नेचुरली, है ना, ये सब तीनों जो है नेचुरली एग्जिस्ट है, एग्जिस्ट करते हैं हमारे यूनिवर्स में, है ना। लेकिन साइंटिस्ट ने कुछ और फॉर्म बनाए हैं हाइड्रोजन के, जिसका एटॉमिक मास है 4, ठीक, हाइड्रोजन 4, 5, हाइड्रोजन 6 और हाइड्रोजन 7, है ना, ठीक है। ये इसको लैब में तैयार किया गया है, लेकिन ये ज्यादा देर तक टिक नहीं पाते हैं, ये रेडियो एक्टिव है, हाई रेडियो एक्टिव, हाई रेडियो एक्टिव, है ना, ठीक है। ट्रिटियम भी हाई रेडियो एक्टिव है, ऑल्सो ट्रिटियम भी हाई रेडियो एक्टिव है, रेडियो एक्टिव, है ना। अगर ट्रिटियम अगर
ट्रिटियम बहुत सारे ट्रिटियम के बहुत सारे मॉलिक्यूल इकट्ठा हो जाएं, है ना, क्लाउड अगर उसका जमा हो जाए ट्रिटियम का, तो उसका जो हाफ लाइफ है, क्या हाफ लाइफ, वो 12.33 ईयर्स होता है, है ना, 12.33 ईयर्स, यानी इतने साल में जितना भी ट्रिटियम है हाँ। वो सिकुड़ के आधा हो जाएगा, है ना हाँ। तो इसका हाफ लाइफ होता है 12.33 ईयर्स, है ना। न्यूट्रॉन अधिक होने के कारण वो रेडियो एक्टिव हो जाते हैं, न्यूट्रॉन अधिक होने के कारण वो रेडियो एक्टिव हो जाते हैं। तो इस ये सब को साइंटिस्ट ने डेवलप किया, लेकिन पाया ये गया कि ये हाई रेडियो एक्टिव है ना,